वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर वैक्सीन और वैकेंसी में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या करेंगे? नमस्कार, 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कितने लोगों को वैक्सीन लगी? 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कितना रोजगार पैदा हुआ? रोजगार यानी जो सरकार की नीतियों से पैदा हुआ हो। सबसे पहले बात वैक्सीनेशन की। 7 जून 2021 तक देश में कुल 23 करोड़ 27 लाख लोगों को सिंगल और डबल डोज वैक्सीन लगी है और इसी आंकड़े को सरकार घुमा फिराकर जनता के सामने पेश कर रही है। अगर डबल डोज वैक्सीन यानी कंप्लीट वैक्सीनेशन की बात करें तो देश की आबादी को केवल 3% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार किस रफ्तार से चल रही है। जनवरी 2020 में जब भारत में पहला कोरोना केस आया, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद ताली थाली गैंग और उसके बाद खुद वैक्सीन गुरु सामने आए और घोषणा की कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीत चुका है। पता नहीं किस आधार पर अपने आप को विजेता घोषित किया। अक्टूबर 2020 में जहां बाकी देश वैक्सीनेशन शुरू कर चुके थे, वहीं भारत में सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने आप को विजेता घोषित कर दिया था, जिसकी घोषणा प्रायोजित मीडिया और विज्ञापन के जरिए कर दी गई। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की बात करते आ रहे हैं, वहीं सरकार इसे लगातार अनदेखा कर रही थी और कोरोना को भूलकर बिहार और बंगाल चुनाव में कूद पड़ी। भारी भरकम रैलियां की गई, बिहार और बंगाल को सबसे पहले वैक्सीन देने की बात की गई, पर चुनाव खत्म तो चुनावी वादे भी खत्म। यानी जो तबाही हमने अप्रैल और मई 2021 में देखी, अस्पताल में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते मरीज, यह सब सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। और इस कुप्रबंधन पर जनता कोई सवाल ना उठाए, इसकी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है और पहला हथौड़ा मारा है ट्विटर पर। सरकार को चिंता इस बात की है कि ट्विटर से ब्लू टिक ना हट जाए, जबकि चिंता होनी चाहिए कि जनता को टीके कैसे मिले, क्योंकि ट्विटर के जरिए ही जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने कांग्रेस टूलकिट जैसा प्रोपोगेंडा चलाया था। अब बात वैकेंसी की। कांग्रेस के शासनकाल में 2008 में बेरोजगारी दर 5.36% थी, जो 2 साल बाद यानी 2010 में बढ़कर 5.65% होगी, बेहद मामूली बढ़त के साथ। और गौर करने वाली बात है कि उस दौर में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में थी, क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे थे। 2014 के बाद बीजेपी ने क्या रोजगार पैदा किया? क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट चुकी थी, क्रूड ऑयल के दाम गिर चुके थे। इसका जवाब है कि बीजेपी ने रोजगार पैदा नहीं किया, क्योंकि सरकार के एजेंडे में धर्म था, ना शिक्षा ना रोजगार, और इस धर्म की आग में घी डालने का काम किया प्रायोजित मीडिया ने। 2019 के बाद बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जो आज करीब 7% से ऊपर जा चुकी है, जिसमें शहरी बेरोजगारी दर करीब 14% और ग्रामीण बेरोजगारी दर करीब 9% से ऊपर है। अब सरकार एक्टिव मोड में आ गई है, यानी कैसे बेरोजगारी की बात को घुमाया जाए, और इसे कोरोना महामारी की भेंट चढ़ाना चाहती है और यही प्रोपेगेंडा आज चलाया जा रहा है। पर सच्चाई यह है कि बेरोजगारी बढ़ाने में सरकार के 2 सबसे बड़े निर्णय जिम्मेदार हैं, पहला नोटबंदी और दूसरा बिना तैयारी के जीएसटी। नोटबंदी और जीएसटी का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने किया, पर धर्म और देशभक्ति की लहर में सभी आवाजें अनसुनी कर दी गई। अगर 2014 के बाद टीवी पर उन्हीं मुद्दों पे बहस होती जो 2014 से पहले होती थी,
तो शायद आज देश की हालत यह ना होती। अगर टीवी पर पाकिस्तान और हिंदू खतरे में हैं जैसे काल्पनिक मुद्दों पर बहस ना होकर अर्थव्यवस्था पर बहस होती तो शायद आज देश की हालत यह ना होती। आज देश को फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था में मोर को दाना खिलाने की बजाय एक कारगर रणनीति बनाते। धन्यवाद।